इस तरले बदमाशा क्या लाना चाहिए? यो था मेरे को मेरा, मैं बताऊंगा। क्यों घना मजा हो चोरी करते नहीं? हाँ अरे बटुआ तो केक खोस लिया था, सारी दुनिया गेले पड़ गई, सुहाने को नहीं आंदी दुनिया के। डायलॉग तो पाछा मार लिए, पहले इसमें देख ले कि मैं सैक को निकल फ्री पीट दिए हूँ, देख ले। वो पकड़ तो नूरी थी जनो भरिया पड़े। देख तो ज्यादा तो कोनी लेकिन आज की रसोई का काम चल जाएगा। फुले अरताई तंग कौन करनी पड़ेगी। इब जाके दे ऑर्डर कर दे, कर दे काम। आ जा चलो। एक काम कर, आज भी पैदल क्यों रहे? देख ले कोई मोटरसाइकिल आ जाए तो पीछे है। तो माल है अपने तो रहे। तो आगे तो दे देंगे। हाँ वो तो एक आवे है। हाँ हाँ ठीक सब। हाँ भाई अपना यो असूल है भाई, दोस्ती करिए तो वो पक्की करिए भाई। आपे भी नहीं है भाई, दोस्ती करिए तो दिल तो निभावा है भाई। ले भाई जी सा आ गया, मजा आ गया भाई। आ गया होगा। हाँ अपना गल रहेगा ना, नुए चाह के तरबूज खाओगा। अच्छा मान जाई बे, के दुकान है तेरी? बताऊं के? बता दे ना। बताऊं? बता। थम जाओ दस नंबरियो। अरे रुको रुको भाई, आड़ा सरी बंदे बैठे हैं। अच्छा नहीं होता। बताऊं के? बता दे ना। बताऊं के? बता। थोड़ा करेंगे ये। नहीं नहीं रख रहा। मुर्गियों को बता ना। चल। के? मुर्गियों के? मुर्गियों को बता ना। याद है? केरोड़ा है। बताऊं? के के के? कौन याद है? आंचा। बता ना। रेडिकन। मैं कौन देश हूँ सिरे? सो के? अब आप ही सो जा। हाँ? हाँ। सो जा। चल। सोजा। ये है बिरजू और सूर्या, अपनी मस्ती में मस्त, दुनियादारी तक कुछ लेना देना नहीं, चोरी करना, दारू पीना और लड़ाई करना इनके काम है, चाहे रात हो चाहे दिन। अरे घड़िया ले गाम दो लाठी ऊपर जा लिया। अरे सो जा, आप इनके ऑफिस में जाना है। अरे के डांट पड़ेगी बता। अरे डांट को नहीं लात पड़ेगी। अरे खड़े ले चल। ईसाई सा दोस्त जिसका हो उसने दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। चल खड़े और चल चल लांगे चल चल। तो ताई ते मिले कई दिन हो गए, अस्ताई दूर चला शाम ने चलांगे।
भाई की बड़ा करना है। दुनिया पर हुक्म चला है, दुनिया पर ऑर्डर चला है, फिर आओगा मजा। अच्छा हाँ, चिंता ना करे, वो दिन भी आओगा, पैसा भी होगा, रुतबा भी होगा, नेम भी होगा और फेम भी होगा, चिंता ना करे। बड़े बड़े की रड़ काटनी है और दुनिया की मरोड़ काटनी है तो काट डांगे मरोड़। चला ताई दूर है, चला और याद रखिए बड़ा करना है। हाँ चिंता क्यों करे, आजा चल चल, घनी टेंशन ना ले। माल है एकदम ओरिजिनल, ठीक है, और हिमाचल का है। हाँ जी, अथू। हाँ हाँ, आप एक काम करें। हाँ यार, देखो माल ला रहा हूँ। आगे कहता है कि याद ना खाने की फुर्सत ना नाने की फुर्सत, ईसा के काम हो गया क्योंकि फांगड़ी से उन्दे आवे हैं और काम भी बेरा ना केक रहे हैं बेरा एक ना। ताई थोड़े दिन की और बात से बस फिर आओगा नजारा। आज बढ़िया डीलिंग होगी और नू सोच बिजनेस चल रहा है मान। मारा बिजनेस चल पड़ा बस और ताई फिर तो ना चंडीगढ़ घुमाएंगे। हाँ भाई थारा बिजनेस तम जानो और मैं चाली संदोखी दो रहे और हने रोटी दरी हैं वो ही है मैं, भूख लाग रही हो तो खा लियो। ठीक है ठीक है ताई, खा लें। अच्छा अरे इसने बेचा कड़ा है। अरे तू चिंता ना करे, माफ कर दिया को रास्ता। अच्छा अरे नो कर, दिमाग की बत्ती जला के और चाल माल न ठगे। है चला चल, चिंता ना करे। माल बता दो कड़े से, नहीं तो मैंने जानो इसो। राशन की काली दुनिया में जिसकी सबसे बड़ी जरूरत है
और जिसकी सबसे बड़ी इज्जत है उसका नाम है ईमानदारी। माल बता दो कि छुपा रखा है। सर माल चोरी हो गया। माल चोरी हो गया या तरी नीत में फर्क आ गया? घाटा कितना है भी हो साल जागा धोखा नहीं। जी बाहर कोई माल देने आया है। भेज दो। हाँ भाई माल ले है जी माल ले। माल ले। ये बड़ा ही माल है, यही चोर है। नाजी 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 नुकुन जी वो बात कौन जी वो मतलब नहीं था हमारा। अच्छा ना, ना, ना। चोर के घर चोरी जी हमने पेरा बैठ के जुड़ा आपका आज हम देना है जी देना है जी मान के थरी मतने भाई नाजी रखो जी वो कौन जी ना ना इसा कुछ कौन जी छोरे काम के हैं ये नजर रखिए इन पे। ठीक है सर ठीक है। सारा प्लान चौपट हो गया। चिंता ना करे तू एक दिन इसका भी हिसाब करांगा। फिर सुन हिसाब नहीं एक दिन उस टोपी वाला वर्गा बनना अपन। अरे मेरे तो जिम उसके ऊपर जान किस है। अच्छा हाँ कोई बात नहीं जावांगे फिर टेंशन ना ले। उड़ भी होगा ओड भी होगा अब तो सारे जहां होगा अपन का जलवा। हाँ अपना होगा। अरे सुन ले चलता ही चला आज तो मर गए थे यार। तीन सिगरेट है तीनों खातर ना 33 लट पड़े बच गया था। 33 जान के दौल पड़ने थे बच गए बच गए बच गए। चलो ले बिरजू भाई इब छोटी मोटी चोरियां काम कौन चला है। अच्छा इब तो आप इनको बड़ा हिसाब करना पड़ेगा जकासा बड़ा बड़ा। अरे अपना सही काम चल रहा है ठीक है ना। वो जब तुमने टोपी वाला देखा ना मेरे भीतर में आग लग रही है। अरे डांट ली साग ने डांट ली। बात मारे जाओगे आवाता ये कोई साहब नहीं छोड़ा का भी साहब। चल रोटी खा ले चल चल और चल चल और क्या चल रहा है भाई। माल की बहुत डिमांड है सर लोग मांगते रह जाए हैं। फिर दोन को थोड़ी सी मानसा की कमी पड़ा है जी। तो फिर बंदे बढ़ाओ। बढ़ाएंगे जी बढ़ाओ जी जी। अच्छा उन दो का क्या चल रहा है। बात हो रही है जी बात करो। ठीक है सर। और उनको अपने ग्रुप में मिलाओ। ठीक है सर ठीक है। वो बंदे बड़े काम के हैं जी जी। ऑफर दो उनको। ओके सर। बेटा घर न रहिए मैं बाहर न जाऊं हूं भाषण देने आ रहे हैं तू घर न रहिए। बस उन्हें सोच लिया तू काम से चल है बस की मैंने फिर कर लेंगे चिंता ना करो। ताईरी ये ताई के करन लाग रही है। अरे तो कौन मेरे ख्याल में लगड़ कौन दिखी भाई ताई तो ताई ये कित गई ताई मरमरा तो नहीं गई बुढ़ली ताई किन्ने गई रहे। मेरी दादी तो बाहर जा रही है बाहर भाषण देने आ रहे उनके भाषण। हाँ सो जा अपना आराम से
देण दे भाषण लोगा ने भाषण मैं सुनाऊं तोरे अरे जा सुनया यार तो सोवेगा भाई तो सो जा हां मैं सो गया तो ले आऊंगा पूरी ना उसकी डांट खा बिना कोनी दाव मने भी हां जा सुनाऊं मैं तो सोऊं ठीक सो जा तू सोऊं मैं सुनया आवाज कौन आ रे सा यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें नौजवान साथी बुजुर्ग आप सभी यहाँ पर पहुँचे हमारे विचार सुनने के लिए इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। हम अपनी बहन अमनदीप के विचारों को सुनना चाहेंगे। बहन अमनदीप यहाँ उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्गों को साथियों को मेरी माताओं बहनों को मेरे हम उम्र भाइयों को और छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहले सादर जय भीम जय भारत। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो मैं आप सभी के बीच में चर्चा करना चाहूंगी और हम सब साथी मिलकर रोज किसी न किसी गांव में जाते हैं ऐसी ही सभाएं करते हैं कार्यक्रम करते हैं और समाज को जागरूक करते हैं और मैं आप सबके बीच में चर्चा करना चाहूंगी कि आज हम जिस मुकाम पर हैं जो हमें सुख सुविधाएं मिली हैं वो हमारे महापुरुषों के आंदोलन का नतीजा है। वर्तमान में जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नागरिक को हक अधिकार मिले हैं वो हमारे महापुरुषों की कुर्बानियों की हमारे महापुरुषों के संघर्षों की बदौलत है। आप सभी को पता है कि कोई भी राज्य हो उस राज्य का अपना विधान होता है अपनी व्यवस्था होती है तभी वो राज्य चलता है। आपने इतिहास पढ़ा होगा इतिहास में देखा होगा कि इस देश में अनेकों राजा हुए सभी ने अपने राज्य को चलाने के लिए अलग अलग विधान बनाए अलग अलग व्यवस्थाएं की तब उन्होंने अपने अनुसार अपने राज्य को चलाया और आज हमें संविधान ने अनेक लिखित अधिकार दिए हैं और सरकार इन सभी लिखित अधिकारों को या फिर जो अधिकार संविधान में है सरकार बाध्य है उन सभी अधिकारों को सभी नागरिकों को देने के लिए और अगर सरकार हमारे अधिकारों को हमसे छीनती है या कम करती है तो हमारे पास हक है कि हम सरकार के विरुद्ध जा सकते हैं और अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया हमारे महापुरुषों के संघर्षों की बदौलत हमारे महापुरुषों के आंदोलन का नतीजा है कि आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हमें सभी हक अधिकार मिले हैं हमें सभी सुख सुविधाएं मिली हैं और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी निवेदन करना चाहूंगी कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सभी नागरिकों के हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बचाए रखने के लिए हमें जरूरी है कि हम हमारे महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलें। जैसे हमारे महापुरुषों ने कार्य किया हमारे महापुरुष जैसे कि तथागत बुद्ध साहब कबीर जी गुरु रविदास जी महात्मा ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर माननीय कांशीराम साहब जिस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया उन्होंने हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी हम भी वैसे ही काम करें और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो संविधान विरोधी लोग देश विरोधी लोग और मानवता विरोधी लोग ऐसे ही हमारे हक अधिकारों को हमसे छीन के ले जाएंगे लेकिन हमें हमारे हक अधिकार लूटने नहीं देने हम सब मिलकर काम करेंगे और महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। सादर जय भीम। अरे यार वो छोरी के से जमा कमाल से जमा तो डरने लगा और पट 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 बोल रहा है लोग उसकी बात सुने और भाई मेरा भी जी नुक रहा है चल उसकी बात सुनी जाऊं बस। अरे थम जा मखा थम जा रुक जा नहीं भाई अंग्रेजी में बोला अंग्रेजी में और लोग सारे सुनो उसकी बात पढ़ी लिखी हुशियार बहुत अच्छी लगी बा मैंने बहुत सुथरी लगी। अरे मेरा समझ मारी सारी बात समझ रहे हूं तेरी सारी बात तेरा पेरा कौन भाई सुथरी लागी मेरे समझ में आगे बा देख बात सुन हर रोज न किशन किसी गांव में भाषण देर जा है रोज हाँ अरे बा देख मैं भी तो कोड़े जाऊंगा नहीं जाना ना मोड़ जाऊंगा बा देख कहीं ना नहीं जाना मोड़ जाऊंगा कौन बने ना टोपी वाला है ना हाँ है ना हाँ उसकी इतना बड़ा आदमी बनना है और बड़ा काम करना है उसकी प्लानिंग करने लाग रहा हूँ आई तेरे समझ में सोचन दे यार तू प्लानिंग कर ले और मन और जान दे नहीं जाना सुन 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 तड़का ना कह दी ना तड़का तड़का जान दे पत्र कह लूं यार कमाल है मतलब नहरा पटक दे नहीं जाना तड़का तड़का मन जान दे प्लानिंग कर ले
फिर कर दे काम टोपी वाले का भी। तू प्लानिंग कर ले, मैं तेरे के लो फिर वह देख तड़का ओडो जरूर जाऊंगा भाई। ओडो फिर जाएगा ना? जाऊंगा ओडो, तड़के नहीं तड़के जाऊंगा भाई। देख मैं ओडो जाऊंगा भाई, भाषण तो सुन के आऊंगा। देखो मैं ठीक है, मैंने उसकी प्लानिंग करने दे, सोचने दे मैंने। यहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को, मेरे हम उम्र भाइयों को, साथियों को, मेरी माताओं बहनों को और छोटे बच्चों को सबसे पहले सादर जय भीम। आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी के बीच में एक विषय पर चर्चा करना चाहूंगी, जो हम सभी साथी मिलकर आप सभी के बीच में एक उद्देश्य लेकर आए हैं और एक चर्चा आपके बीच में करने आए हैं। तो मेरी चर्चा का विषय है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक विचार। जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि छोटा लक्ष्य रखना अपराध है, यानी कि स्मॉल एम इज अ क्राइम, कि हम हमारे जीवन में बड़ा लक्ष्य निर्धारित कैसे करें और हमारी सोच को बड़ा कैसे बनाएं। ये प्रश्न मैं आप सभी के बीच, ये चर्चा का विषय मैं आप सभी के बीच में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हमें हमारे जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य निर्धारित रखना चाहिए और बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। तो प्रश्न ये है कि हम हमारी सोच को बड़ा कैसे बनाएं। आप देख रहे होंगे देश दुनिया में आपके आसपास बहुत सारे अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा पैसा है, जिनकी बहुत सारी प्रसिद्धि है, जो लोग गांव में भी बाहर भी धन की वजह से, लेकिन उन लोगों के जीवन में महानता नहीं है। उन लोगों के जीवन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रसिद्धि पैसे की वजह से, लेकिन उनके जीवन में महानता नहीं है। आपने कभी देखा है कि हम जैसे लोग उन लोगों की तस्वीरें अपने घरों में लगाएं? देखा है कभी? नहीं, कोई भी लोग उन प्रसिद्ध लोगों की, उन धनी लोगों की तस्वीरें अपने घरों में नहीं लगाता, क्योंकि उन लोगों ने वो काम नहीं किए, वो सामाजिक काम नहीं किए जो हमारे महापुरुषों ने किए। हमारे महापुरुष कौन? तथागत बुद्ध, कबीर साहेब, गुरु रविदास जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माननीय कांशीराम साहब, जिन्होंने हमारे लिए, हमें अच्छी जिंदगी दी, हमें अच्छी जिंदगी देने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। क्या आपने देखा है कि कभी उन लोगों की तस्वीरें, जो लोग धनी हैं, जो लोग व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं बड़े बड़े, उन लोगों की तस्वीरें हमारे घरों में लगती हों? नहीं, हम हमेशा अपने घरों में हमारे महापुरुषों की तस्वीरें लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामाजिक काम किया और उनके संघर्षों की बदौलत, उनके आंदोलनों का नतीजा है कि हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरी गुजारिश है कि हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखें, अपनी जिंदगी में एक बड़ा लक्ष्य रखें और जो रास्ता महापुरुषों ने हमें बताया उस रास्ते पर काम करें। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, उसके लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है हमारे महापुरुषों का आंदोलन। दुनिया आज हमारे महापुरुषों को महान मानती है और उन्होंने भी एक ही काम किया था, वो है सामाजिक काम। दूसरों के दुख दर्दों को अपना दुख दर्द समझकर उनके लिए काम करना ही सबसे बड़ा काम है। सामाजिक काम करके ही हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं और बड़ा बना सकते हैं। मुझे आशा है कि आप में से जो भी कोई बड़ा करना चाहता है, वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करके कुछ जरूर बड़ा करेंगे। धन्यवाद। समाज के बीच जाके समाज की बात करना, यह बड़ा काम। इसका मतलब अंकल त्रस्ता पा छोड़ दूंगा भाई, लड़ाई झगड़ा चोरी सारी छोड़ दूंगा, समाज के बीच जाया करूंगा और समाज की बात करूंगा। बस बिरजो मनाऊंगा, बिरजो ने भी, बिरजो मेरे दोस्त, तू भी छोड़ दे बिरजो। अरे सूर्या, प्लानिंग कामयाब हो गया अपनी। अरे स्टॉपी वाला का ऑफर आया है, बहुत बड़ा सिस्टम बनेगा ये भी अपना, कामयाब हो गया भाई।
ना यार, यो धंधा मैं कौन करूं? कौन करे? हाँ क्यों ना, मेरा समझ मांगी है, बड़ा के करना है और बड़ा को करोगा की समझ मांगी तेरे? अरे बहुत बड़ा कुछ करना है अपन, है यो रास्ता को नहीं अपना कोई ना। आप ही गलत है बिरजू। गलत था? आप ही गलत था। कित गलत था? आप ही रास्ता छोड़ना पड़ेगा। बड़ा करना नो को नहीं चुकरा पे करने लग रहे हैं, बड़ा करना खतर कुछ और करना पड़ेगा। अरे यार सूर्या, तू समझदा क्या तक नहीं? इतनी मुश्किल तो आप आए हैं, यहां तक पहुंचे आप, कितने पापड़ बेले। अरे तू को छोड़ दे ना। ना मेरा सारी समझ में आ गई। क्या आ गई फिर जो? हाँ छोड़ दे मेरे भाई। अरे क्यों? आज के बाद मैं धंधे को नहीं करा पी, समाज की बात करांगे, समाज के दर्द ने अपना दर्द समझ को उसने मिटाने की कोशिश करांगे। महापुरुषा जो रास्ता बताओ उस रास्ता पर चलांगे। अरे कौन सा रास्ता है, मन में भी तो बता दे। हाँ कौन सा है रास्ता? इस देश में जब तक शोषण रहोगा, भेदभाव रहोगा, करप्शन रहोगा, अत्याचार रहोगे, इतने प्रत्येक नागरिक का फर्ज बना है कि इनके खिलाफ लड़ना। अरे यार सूर्य, अपना रास्ता यो नहीं है, अपना बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत आगे जाना है यार, समझ तू? मेरे ही समझ भाई है, बड़ा बनने खातर करना के पड़ा है। अरे जो आप करन लाग रहे हैं वो करना पड़ा है, समझ तू मेरी बात ना बिरजू? गलत ट्रैक पे हाँ भी, तेरे दिमाग में खराबी हो रही है, आई समझ में? पहले थी खराबी, इब को नहीं। देख दोनों मिलकर बहुत आगे जाना है, इस दुनिया पर राज करना अपन यार, समझ मेरी बात? समझदा क्यों कोनी तू यार? आगे जाने का रास्ता को नहीं हो यमन पछ ले जाए। बिरजू इन खोटे धंधे छोड़ के ना और समाज खातर काम करेंगे। ले के करेगा मैंने बता, महापुरुषों की बात करेंगे, महापुरुषों का आंदोलन आगे बढ़ावांगे, इस देश में एकता अखंडता स्थापित करांगे। अरे किमे स्थापित को नहीं हो, मान जाए मेरी बात, मौका बढ़िया पड़े है, मान है ना बिरजू? आज तो मैं कौन जाऊं? अरे सूर्या मेरी बात सुन, कुछ भी नहीं बात का, खोटे धंधे छोड़ दे और आ जा। यार कितना बढ़िया टाइम आया है, देख कितना बढ़िया टाइम आ रहा है। बड़ा करण खतरना, जिन्होंने बड़ा कराया है उनके बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा। बिरजू मेरे सही समझ में आ गई, वो काम करके मानूंगा मैं। तेरे समझ में आ गई ना? हाँ तू तेरी मर्जी चला, लेकिन मैं मेरी मर्जी चलाऊंगा। मेरी बात याद रखिए, एक दिन पछताओगा तू, पछताओगा। बिरजू पछताओ तो तू का? बिरजू ना जावे, बिरजू ना जावे, ना जाओ मेरे दोस्त। आज मैं आप सभी के बीच में एक चर्चा करना चाहूंगी और मेरी चर्चा का विषय है कि युवा वर्ग ही मिशन में क्यों आए और हम मिशन चलाए ही क्यों। कोई भी आंदोलन है वो उसके आंदोलनकारियों से पहचाना जाता है कि वो आंदोलन युवा है, बच्चा है या बूढ़ा है। अगर वो आंदोलनकारी बुजुर्ग है तो वो आंदोलन भी बुजुर्ग है, अगर वो आंदोलनकारी युवा है तो वो आंदोलन भी युवा है, और अगर वो आंदोलनकारी बच्चे हैं तो वो आंदोलन भी बच्चा है। युवा अवस्था ही वो अवस्था है जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, और अगर हम युवा भटक जाएंगे तो आने वाला समय हमारा अंधकारमय होगा, और इसलिए इस मिशन की जिम्मेवारी हम युवाओं के कंधों पर है। आओ मिलकर महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाएं।
नशे विषयों को छोड़कर मिशन में कदम से कदम मिलाएं। रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़त चढ़त उतराए, ज्ञान महारस पीजिए जो चढ़े ना उतराए। सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और मुझे आप सभी से आशा है, खासकर युवा वर्ग से, कि वो महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, महापुरुषों के विचारों का अनुसरण करेंगे और मिशन में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम। इस दुनिया में पढ़ाई शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है, एकमात्र ऐसी चीज है जिस तो हमारा उद्धार हो सके है। और कोई भी किसी प्रकार का कोई भी काम कर लो आप, उस काम में जब तक शिक्षा नहीं होगा हमारे पास में, शायद हम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये पढ़ाई आज जो हम करने लग रहे हैं, ये हमने एक नहीं मिली है, सारे जानो शायद आप ये। इस देश में पहले कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार था, आज सबको अधिकार है। ये भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के दिए अधिकारों से है। हमारे संतों ने, महापुरुषों ने मानवता की एकता की लड़ाई लड़ी। हम सब ने एकता की बात करनी चाहिए, सबका पढ़ा लिखा प्रबुद्ध भारत बनावा, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण ना हो, अत्याचार ना हो, लड़ाई ना हो, वैर ना हो, विरोध ना हो। गुरु रविदास जी कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सम बसे, रविदास रहे परसन। ऐसा देश हम बनावा जिसके अंदर सारे बराबर हों, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, सभी मानव मानव बराबर हो, और इस देश के अंदर भाईचारा हो, प्यार हो, प्रेम हो, तब ये देश सही मायनों में आगे बढ़ सकता है। हमारे महापुरुषों की बात को सुन के जब देश में सबसे ज्यादा व्यवहार होता था, उस समय देश विश्वगुरु था। आज भी अगर इस देश ने दोबारा विश्वगुरु बनना है, बड़ा बनना है, आगे बढ़ना है, तो उन्हीं महापुरुषों के विचारों को फॉलो करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, जानना होगा, समझना होगा, जिनकी वजह से हम विश्वगुरु बने थे। ये जिंदगी इस प्रकार जीवा जिस प्रकार हमको हमारे महापुरुष ने कहा है, और वो जिंदगी दुनिया की सबसे महान जिंदगी होगी। महानतम रास्ता हमें अपने गुरुओं ने, अपने महापुरुषों ने दिया है, उसी रास्ते को हम फॉलो करें। इसी प्रकार ये जो जिंदगी है, हम इस प्रकार जीवा के हमारे मरने के बाद भी हमारा समाज अपनी गवाही दे कि फला आदमी ने हमारे समाज के लिए काम किया था, और काम करते करते उन्होंने समाज को आगे बढ़ाया। इस प्रकार अगर हम अपनी जिंदगी जी लिया, तो शायद हो सकता कि हमारे समाज का, पूरे देश का, दुनिया का भला हो। जी धन्यवाद। अच्छा बोले
बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक दिन बहुत आगे जाओगे। जी बाबूजी। वो दूसरा साथी नहीं आया अभी तक? बाबूजी मैं आ गया, दूसरा भी आ जाएगा, कहाँ जाएगा। लगे रहो बहुत अच्छे। जी जी। लड़का ठीक है, काम भी ठीक कर रहा है, अच्छी सी जिम्मेवारी दो इसको। ओके सर। सूर्या, अरे भी टाइम है, उल्टा आ जा अपनी दुनिया में और दोनों मिलकर राज करांगे राज। बिरजू, उस जुर्म की दुनिया में मैं कौन जाऊं? और बिरजू भाई छोड़ दे खोटे धंधे और आजे मेरे गला, चल समाज की बात करांगे और समाज में सुधारने के काम करांगे। अरे वो टोपी वाला रोज मेरे कहे तेरा वो जोड़ीदार कड़े है, के जवाब दी उसने, रोज पूछे है। कह दे उसने। के कह दियू? वो को नहीं आवे। अरे क्यों बिरजू, समझ बात ने, जिस रास्ता पर भी चलिया कर दे वो माड़ा काम है, और दुनिया में सब तो बढ़िया काम है समाज की बात करना, समाज की सेवा करना। अरे सूर्या, इस रास्ते पर तू दुख पाओगा? दुख पा लूंगा। अरे पाई पाई न तरसेगा? तरस लूंगा। अरे तेरी नींद भी पूरी नहीं होगी? कोई बात को नहीं बिरजू, जिस रास्ते पर तू चल है ना, यो गलत रास्ता है। ठीक है बिरजू, मान जा मेरे यार, मान जा। शाबाश बेटे शाबाश, जो मैंने तेरे तो उम्मीद करी थी ना, आज तुमने वो सारी पूरी कर दी है। जी बाबूजी। और आज से इस सारी काली दुनिया का डॉन तू है। जी बाबूजी। वाह भाई वाह, मन तो पहले से पता था एक दिन तू डॉन बनेगा।
यहाँ पर उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं बहनें भाइयों, आप सबको मेरा जय भीम जय भारत। आप सब जानते हैं हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सूर्या उर्फ सूर्य कुमार जी के 5वें स्मृति दिवस को मनाने के लिए। यहाँ ही नहीं, यह कार्यक्रम अनेक जगहों पर किया जा रहा है। बच्चों, आज सूर्य को याद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सूर्य ने अपना जीवन समाज के लिए जिया, समाज को ही अपना परिवार समझा और वे समाज के बीच में ही रहे। महापुरुषों के आंदोलन में वे दिन रात लगे रहे। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता विरले ही मिलते हैं, लेकिन जो समाज के लिए काम करता है समाज उन्हें हमेशा ही याद रखता है। सूर्य जैसा जीवन हम सभी को जीना चाहिए और आंदोलन में भी सूर्य जैसा ही काम हमें करना चाहिए। सूर्य जैसी सोच की इस देश को, इस समाज को और पूरे विश्व को बहुत जरूरत है। सूर्य जैसी सोच के आंदोलनकारियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैं शत शत नमन करती हूँ। जय भीम जय भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिरजू और सूर्या दो अच्छे दोस्त थे। दोनों ही चोरी करते थे और दोनों ने अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाया कि हम कुछ बड़ा काम करेंगे। और इस बड़े काम के लिए बिरजू ने अवैध कार्य करने का, चोरी करने का रास्ता अपनाया और सूर्या ने सामाजिक चेतना का रास्ता अपनाया। आज वर्षों के बाद आप देख रहे हैं कि हम सब सूर्या को नमन कर रहे हैं क्योंकि सूर्या ने समाज को जगाने का काम किया, सामाजिक चेतना का काम किया। हालांकि पैसा और धन दौलत बिरजू के पास बेशुमार हो गया था और सूर्या जिन्होंने लगातार समाज को जगाने का काम किया, आज जगह जगह उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको नमन किया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि हम सब में से भी कोई ना कोई सूर्या के जीवन से प्रेरणा लेकर सामाजिक चेतना का ये कार्य आगे बढ़ाएगा और कोई एक फिर से फतेहमंद बनेगा। उनको पुनः नमन करते हुए, आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए, जय भीम जय भारत। काश पापा आप भी बदल गए होते। सूर्य कुमार अमर रहे, सूर्य कुमार अमर रहे, सूर्य कुमार अमर रहे।